पंचकुला हरियाणा के सारे जो ऑफिसेज हैं उनके स्टेट हेडक्वार्टर्स यहीं पंचकुला में है। ट्राई सिटी मोहाली पंचकुला और हरियाणा चंडीगढ़ को बोलते हैं। आप कब चंडीगढ़ से पंचकुला आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। और यहाँ से जो विधायक हैं वो हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। वैसे जब से हरियाणा बना है इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी एक और मैं आपको सुना दूं कि पहले विधानसभा चुनाव जो मार्च 1967 में हुए और उसके बाद जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने वहां पर जब अध्यक्ष यानी स्पीकर के लिए नाम आगे किया तो उन्हीं के पार्टी में विरोध करके स्पीकर दूसरे का नाम आगे कर दिया और इस तरह से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट स्पीकर का हार गया और विरोधियों ने और दल तोड़ने वाले लोगों ने जिन्होंने बगावत की थी उनके स्पीकर बन गए। नतीजा ये हुआ कि दो ही महीने के भीतर उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और फिर दूसरी सरकार बनी। एक कहानी और भी है कि जब दूसरी सरकार बनी तो एक MLA थे गयालाल, वो सुबह सुबह सरकार से समर्थन वापस लेके चले गए। शाम को तब के मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले करके और कहा कि गयालाल आया राम हो गए। और उसके बाद जब बहुत सारे विधायकों ने 34 विधायकों ने एक बार और एक विधायक ने 5 बार, बहुत सारे विधायकों ने दो दो तीन तीन बार पाला बदला और उसी गयालाल विधायक की वजह से आया राम और गया राम की कहावत भारतीय राजनीति में पाला बदलने वालों के लिए रख दी गई और ये आया राम गया राम तभी से चल रहा है, वो हरियाणा से ही निकला था। तो बहरहाल मैं कुछ लोग यहाँ पर चूँकि ऑफिसर्स है कुछ लोग यहाँ पर हैं मैं जरा उन लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश शास्त्री है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं जींद रहता हूँ जी। काम से आए यहाँ? वैसे चंडीगढ़ में घूमने के लिए आए हुए थे। तो क्या हरियाणा का माहौल क्या चल रहा है इस समय? हरियाणा का मिला जुला माहौल है जी। मैं ये जानने के लिए आया, अब तो चुनाव कभी भी हो जाए? हाँ कभी भी हो सकते हैं। तो ये मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार ठीक थी कि ये सैनी बदले? वो ये सैनी साहब ठीक है, खट्टर साहब तो बहुत दिन रह लिए। हाँ फर्क है, देखो ये लोगों से मिलते हैं, बातचीत ठीक करते हैं। वो लोगों से नहीं मिलते थे। ये हुड्डा साहब बहुत ताल ठोक रहे, कुछ उम्मीद लग रही? देखो उम्मीद तो सबको होती है, उम्मीद तो सभी रखते हैं। ये जो लोकसभा के 5-5 आए इससे कुछ मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा था तब भी 5 सीटें कांग्रेस को मिल गई। उसमें टिकटों का क्या था, बंटवारा ठीक नहीं हुआ था। किसने? BJP का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था, कांग्रेस का भी ठीक नहीं हुआ था, तो उस बंटवारे के कारण वोट आपस में कटे हैं, आपस परी लोगों से। BJP के BJP से कटे हैं और कांग्रेस वालों के कांग्रेस से वोट कटे हैं। तो अगर सही से बढ़ता तो किसकी सीट ज़्यादा आती? सही से बढ़ता तो BJP की ज़्यादा आती। आपको लगता है BJP की सरकार आएगी? देखो बिल्कुल लगती है, अभी तो आज के उसमें तो लगती है। लेकिन अगर लोकसभा अभी जो 2 महीने पहले हुआ था उसके हिसाब से अगर देखें, उसमें अलग समीकरण था, अब अलग समीकरण है। 30% पिछले लोकसभा में 30% वोट का अंतर था कांग्रेस में और भाजपा में। हाँ। अब 3% और अगर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी का वोट मिला जाए तो BJP से ज्यादा हो जाता है 1-1.5%। ये तो मैं मान गया, ऐसी बातें हैं, फिर भी आजकल ईब जो समीकरण बने हैं एक महीने से BJP का समीकरण ज्यादा हो गया। विधानसभा के लिए ज्यादा हो रहा? क्या क्या समीकरण है? जात का? नहीं, ये जो CM साहब बनी है, अब जो नायब सैनी बने हुए हैं वो ठीक बात करते हैं, आम जनता से भी बात करते हैं, सिर्फ बात करने से ही लोग खुश हैं। आप बताइए आपका नाम क्या? धर्मवीर है। हाँ धर्मवीर है। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो ये है कि BJP की सरकार ही आएगी विधानसभा में। मोदी जी का जब वोट हो रहा था तब तो आधा आधा हो गया, मोदी जी का मैं कुछ दूसरा हो गया, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय अपने संतुलन है, जातीय समीकरण तो जाति समीकरण क्या क्या? जातीय में मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लासेस से है, बैकवर्ड का मजबूत वो है 30% है, तो मैक्सिमम जो है ना इसके साथ आएंगी, इसीलिए खट्टर साहब को हटा दिया गया। खट्टर साहब को शायद इसी वजह से हटाया पार्टी ने।
ये भी बीसी को एक करने के लिए इसको ज़्यादा समर्थन मिले। और जाट? जाट तो मैक्सिमम हुड्डा के साथ ही जाएंगे। और दलित? दलित में कुछ हैं बटे हुए हैं, आधे उधर आधे उधर। दलित में कुछ हैं, कांग्रेसी भी हैं और कुछ बीजेपी, और सवर्ण जातियां हैं वो भी ज़्यादा मतलब बीजेपी को जाएंगी। कुल मिला जुला के चुनाव यहाँ भी जाति पे? जाति पे तो होता ही है जी, जाति पाति तो यहाँ सर्वोपरि है। अरे यहाँ कहाँ, पूरे हिंदुस्तान में जाति ही चला, पूरे हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की इसका शुक्रिया। तो कुछ और लोगों से मैं चर्चा करता हूँ।